नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एल्गो ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होता है, किस तरह से आपको सेटअप रखना चाहिए, वो सभी चीज़ मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टूल हम लोग यूज करेंगे ना, वो होगा ट्रेडिंग व्यू, ठीक है ना। तो कोई सा भी इंडिकेटर हम लोग बना रहे होंगे तो वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बनाएंगे और इसके ऊपर हम लोग एल्गो ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ना, तो सबसे पहले जो भी आप इंडिकेटर बनाए हो उसे स्ट्रेटजी में जरूर कन्वर्ट करके देखिएगा, यानी बैक टेस्टिंग रिजल्ट आपको दिखना चाहिए कि ओवर द टाइम आपका वो इंडिकेटर है ना, जो भी स्ट्रेटजी में आपने कन्वर्ट किया वो कैसा परफॉर्म किया। जैसे ये देखिएगा तो 118% का रिटर्न दिया है यहाँ पे, है ना, और 62% यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेट है इसका, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो लगभग 8 मंथ्स में, 8 ईयर नहीं 8 मंथ्स में है लगभग, यहाँ पे 9th मंथ में था और 2023 से, और यहाँ पे 4 इसमें लगभग 8 मंथ के लगभग में इतना रिजल्ट आ रहा है, कुछ इस तरह से है। तो आपको जरूर ये बैक टेस्टिंग करके देखना है कि ये जो भी आप यूज कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। प्रॉफिटेबल नहीं है तो सेंस ही नहीं बनता कि एल्गो में उसे हम लोग यूज करें, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सपोज अब इसी में कहीं पे, सपोज यहाँ पे जैसे लॉन्ग का ट्रेड जनरेट हुआ, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमने बाय किया तो ये क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे अलर्ट जनरेट होगा, ठीक है ना, तो हम लोग क्या चाहते हैं उसी समय हमारे ब्रोकर अकाउंट पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होता है, तो हमें यहाँ पे सपोज इस इंडिकेटर में अलर्ट हमने लगा दिया, वो सिंटेक्स वगैरह सब ऑटोमेट करके आपको रखना पड़ता है कोड में, है ना, जो भी सिंटेक्स चाहिए होता है। तो सिंटेक्स वगैरह क्या है वो मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ से कोई भी सपोज सिंटेक्स आपने सेंड किया है ना, जिससे कि हमारा जैसे यहाँ पे है ना जो भी स्टॉक है इस स्टॉक में इतने क्वांटिटी परचेज्ड हो जाने चाहिए, सपोज जो हमने सेंड किया, तो सेंड करने के लिए आपको यहाँ पे वेबहुक यूआरएल फीचर्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे वेबहुक फीचर्स यूज करना है, तो इसके लिए कोई ना कोई आपके पास परचेज्ड अकाउंट होने चाहिए ट्रेडिंग व्यू का, चाहे एसेंशियल्स हो, प्लस हो या फिर प्रीमियम हो। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, कौन सा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो देखिएगा नंबर ऑफ अलर्ट कितना है, टेक्निकल अलर्ट्स कितने हैं, ठीक है ना। तो 20 है, तो अगर 20 से ज्यादा अलर्ट आप लगाना चाहते हैं तो आपको फिर प्लस वाला परचेज करना पड़ेगा, या उससे कम में ही काम चल जाएगा तो एसेंशियल्स परचेज करिए, ठीक है ना। तो इसके अनुसार आप वैसे भी आप अपनी जरूरत के अनुसार इसे परचेज कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पे परचेज अकाउंट होने चाहिए ट्रेडिंग व्यू का, तभी आप इस वेबुक फीचर्स को यूज कर पाइएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इसे यूज करना स्टार्ट कर दिए, तो ये किस तरह से और कहाँ से हमें मिलेगा, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो अब मैं वो बताता हूँ। तो सेकेंड स्टेप में होगा, ओके। तो सेकेंड स्टेप देखने वाले हैं, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, सेकेंड स्टेप में क्या है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको बाइक अलर्ट मिला, बाइक अलर्ट मिला उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, तो कहीं ना कहीं एपीआई ब्रिज के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए कौन कौन सा टूल यूज हो रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेड भी हैं, ठीक है ना, जो आपको सर्च करेगा गूगल पे तो मिल जाएंगे, एपीआई ब्रिज करके सर्च करेगा, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वो पेड 1200 रुपया मंथली आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप इस प्रोसेस से चलते हैं तो सारा काम आपका फ्री में हो जाएगा। एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर कभी भी उतना एग्जीक्यूट नहीं करिएगा, रिक्वेस्ट नहीं सेंड करेगा जिससे कि आपको चार्ज बने, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंड यूजर है, यानी ट्रेडिंग व्यू ने यहाँ पे कोई ना कोई अलर्ट जनरेट किया सपोज लॉन्ग के लिए, तो वो आएगा किसके पास, अमेजन एपीआई गेटवे के पास। ये आपको यूआरएल वगैरह बना करके देगा, जो आप यहाँ पे जब अलर्ट लगा रहे होंगे ना, तो यहाँ पे आपको वो अलर्ट नोटिफिकेशन में यहाँ पे वेबहुक यूआरएल में वो यहाँ पे यूआरएल लगाना पड़ेगा, इससे जो आपको यूआरएल एपीआई गेटवे से मिलेगा। अब ये एपीआई गेटवे क्या करेगा, जैसे ही मान लीजिए आपने रिक्वेस्ट इसके ऊपर सेंड किया, तो ये ट्रिगर करेगा AWS लैम्डा को, ठीक है ना। AWS लैम्डा को ट्रिगर करके इसके अंदर हम लोग पाइथन का कोड लिखे होंगे, जिससे कि हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सपोज एग्जांपल हम लोग लेते हैं कोटक का है, कोटक नियो का, इसने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर का यहाँ पे सपोज ये बना हुआ है। ये सारे चीजें हम लोग मैसेज इसमें पास कर रहे होंगे, ये सब तो थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा निश्चित रूप से, ठीक है ना। यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, कई सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। यानी तो फ्यूचर में मैं खुद भी अपलोड करने वाला हूँ, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके रखिए। ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत चीज मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए। तो सपोज यहाँ पे आपको ये चीज सिंटैक्स यहाँ पे सपोज लिखा हुआ मिल गया, पाइथन का कोड यानी लिखा हुआ मिल गया, जो आपको यहाँ पे लिखना है AWS लैम्डा के अंतर्गत, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए आप बहुत चीज कर सकते हैं, जैसे आपका ट्रेड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ या नहीं, उन सभी का मैसेज आप टेलीग्राम में ले लीजिए, वो सब चीज इसी में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा टेलीग्राम मैसेज के थ्रू, और ये सक्सेसफुली काम कर जाएगा, ठीक है ना। तो बस इसमें इतना सा मेन प्रोसेस है, इतना करिएगा और आपका काम हो जाएगा। यानी ट्रेडिंग व्यू से आया एपीआई गेटवे, एपीआई गेटवे से गया AWS लैम्डा के ऊपर, यहाँ पे पाइथन का कोड एग्जीक्यूट हुआ, और पाइथन का कोड कहाँ से आया, तो हमें सभी ब्रोकर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी ब्रोकर है सबका आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका पाइथन का SDK, ठीक है ना। तो उसको आप यूज करके आराम से बना सकते हैं। और रही बात क्या कहते हैं और पेड वाले की, पेड का एपीआई ब्रिज आप इसका यूज कर लीजिए, तो भाई हमें पेड लेना है क्यों, हमारा जब सभी जीरोधा लगभग चार्ज कर रही है और भी कुछ ब्रोकर हैं जो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश तो हमें फ्री में दे रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग उसका यूज करें,
ठीक है ना, तो आपका काम बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।